शराब दे पैसे ना देण ते मां दा कीता कतल। कलयुगी पुत ने सरिये मार मार के उतारिया मौत दे घाट। पिता भी लड़ रहा जिंदगी मौत दे विचकार जंग। बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिस मां ने अपने पुत नूं कुख दे विच 9 महीने रखिया, अज ओही पुत मां दा कातल बन गया। दस दिए कि मां ने जदों शराब दे लई पैसे ना दिते तां पुत ने गुस्से दे विच आके सरिये मार मार के मां दे सिर च उस नूं मौत दे घाट उतार दिता है। बेहद यह हैरान कर देने वाला मामला यमुनानगर तो सामने आया। हालांकि दस दिए कि पहला तो उस पुत दे वल्लों लगातार अपनी मां नूं तंग परेशान किया जाता रहा, तो फिर जदों नशियां दा आदी बन गया तो उस तो बाद दे विच उसने शराब पीनी शुरू कर दिती। शराब दे लई जदों उसने अपनी मां दे कोलों पैसे मंगे तो मां ने पैसे देने तो मना कर दिता, जिस तो बाद गुस्से दे विच आए पुत ने जदों मां अते प्यो दोवें ही मंजे ते बैठ के खाना खा रहे सी तां उस समय दोवां दे उत्ते सरिये दे नाल कई वार किते, 3 वार मां दे सिर दे विच किते गए, जिस दे कारण कहा जा रहा है कि मां जो है वह जमीन पर डिग जाती है, खून के नाल लथपथ हो जाती है। तो इस तो बाद दे विच अपने पिता के उत्ते उसके वल्लों वार किए जाते हैं, जदों दोवें ही खून के नाल लथपथ होकर जमीन पर डिग जाते हैं, बोलना बंद कर देंगे ने, तो बेटा मरिया होया समझ के दोवां नूं ही मौके तो फरार हो जाता है। जिस तो बाद पिता जदों चिल्लाउंदा है तो गुआंढी मौके के उत्ते पहुँचते हैं, दोवां नूं हस्पताल ले जाया जाता है, जिथे पिता इस समय जिंदगी अते मौत दे विचकार जंग लड़ रहा है, उत्थे ही मां दी मौत हो गई है। बेटा मौके तो फरार दस्या जा रहा है, फिलहाल पुलिस मौके दे उत्ते पहुंची है ते मामले दी जांच शुरू कर दी गई है। तो यमुनानगर तो बेहद यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बस ऐसी याद है जी, वो घर पे मारपीट कर रहा था। क्या कर रहे हैं, क्यों मारा, क्यों? बस नशा कर रहा था जी, वो और नहीं कुछ कर रहा था। कल कितने पैसे मांगे थे? पैसे तो थोड़ी मांगे थे। कितने? नशे के लिए। दिए नहीं पैसे मांगे? ना जी। क्या था पूरा बताओ ना। बस नशा करने के लिए मांग रहे थे जी पैसे, तो मम्मी ने दिए नहीं है, बस इस कर का आता पाई कर लीजिए। किस चीज से मां को मारा? पहले तो पता नहीं जी कैसे मारे जी। आप लोग घर पे नहीं थे ना जी? मैं घर पे नहीं था जी। ये इनका लड़का है जोनी कुमार, उम्र है 26-27 साल। ये पिछले 1-1.5 साल से शराबी किस्म का व्यक्ति है, नशेड़ी, और जो पहले भी अपनी माता पिता के साथ पैसे को लेन देन कर लेकर मारपीट करता रहता था, और इसने करीब 4-5 माह पहले इसी पैसे को और शराब पीने के लिए पैसे ना देने के कारण अपनी माँ की बाजू तोड़ दी थी, जिसकी हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने अपस में ही घर में निपटा लिया था उस बात को, और कल हमारे पास रुको आया था तो कि जोनी ये जो अमिता रानी है ये दाखिल है हॉस्पिटल में, और इसकी मौत हो गई है लड़ाई झगड़े में लगी चोटों के कारण। तो आज हमारे पास इसके भाई दिनेश कुमार ने बयान लिखवाया है कि मेरा भाई नशेड़ी किस्म का व्यक्ति है, और कल शाम को मेरी माता अमिता रानी और पिता प्रभु राम खाना खाने के लिए चारपाई के बैठे हुए थे, तो जोनी कुमार आया 7:30-8 बजे, जिसने सरिया हाथ में लिया था, लोहे का सरिया, और तुरंत अपनी माँ के ऊपर और पिता के ऊपर हमला बोल दिया, और दोनों घायल हो गए मौके पर, जिनको इलाज के लिए दिनेश कुमार व उसके पड़ोसी सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर पहुँचे, जहाँ पर डॉक्टर साहब ने इलाज के दौरान मित्ता रानी को मृत घोषित कर दिया। हमने जोनी कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है, जैसे भी तथ्य सामने आए कार्रवाई की जाए। जोनी क्या पिता की हालत कैसी है? पिता सिर में काफ़ी चोटें हैं उसके सिर में, और PGI रेफर किए हैं डॉक्टर साहब ने उसको। सर इस पर
कितने पैसे की डिमांड की थी, शराब पीने के लिए की थी क्या? पैसे की कोई बात नहीं, शराब पीने के लिए।